दोस्तों मिर्च मसाला में आपका स्वागत है। मिर्च मसाला में बिहार की बहुत ही फेमस डिश जिसे हम कहते हैं ठेकुआ, वो आज बताने जा रहे हैं। ठेकुआ बनती तो बिहार में है लेकिन इसका स्वाद पूरी इंडिया में पसंद किया जाता है और शायद आपको भी बहुत पसंद होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं ठेकुए की रेसिपी। ये बहुत ही आसान है और उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ठेकुआ बनाने के लिए हमें जो सामग्री लगेगी आइए उस पर ध्यान देते हैं। यहाँ मैंने लिया है आधा किलो आटा, आधा किलो मैदा, साथ में हमने 10 से 15 इलायची ली है जिसके हम दाने निकाल लेंगे। हमें इलायची पाउडर भी यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने लिया एक कप ग्रेटेड कोकोनट यानी नारियल, आप नारियल पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ में हमने लिया है 2 कप सूजी। यहाँ हमने लिया है 2 कप घी, मैंने शुद्ध देसी घी का प्रयोग किया है, आप इसकी जगह डालडा का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके साथ जो हमें लगेगा वो है रिफाइंड तलने के लिए और चीनी। चीनी हमें लगेगा 4 कप। चीनी को हम एक बाउल में डाल देंगे। यहाँ मैंने 4 कप चीनी एक बड़े बाउल में डाल दिया है और इसमें हम डाल देंगे 1 ग्लास पानी और हमें इसका सिरप रेडी करना है। इसी से हम आटा को गूंदेंगे। एक बड़े बाउल में हमने लिया है आटा, मैदा, इसी में हम डाल देंगे सूजी और ग्रेटेड कोकोनट। अब इलायची के जो दाने हैं उसे हम पाउडर बनाएंगे, इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपके पास इलायची नहीं है तो आप इलायची पाउडर का प्रयोग भी कर सकते हैं और अगर पाउडर नहीं है तो आप इलायची के दानों को इस तरह क्रश कर लीजिए। मैंने यहाँ बेलन से क्रश किया है, आप मोटर पिस्तल में भी क्रश कर सकते हैं और उसे आप मैदे और आटे में मिला दीजिए। साथ में जो हमने घी रखा था वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसके बाद हम हाथों की मदद से इनको मिला देंगे। आपको घी का प्रयोग उतना करना है कि आप जब आटे को बाइंड करें हाथों से तो वो अच्छे से बाइंड हो जाए। ये आप देखिए, मैं यहाँ बाइंड कर रही हूँ तो ये देखिए बाइंड होना चाहिए, यानी आपके घी का मात्रा एकदम सही है। अगर नहीं है तो आप इसमें और घी का प्रयोग करें। अब हम शुगर सिरप जो हमने बना के रखा था उसकी मदद से इसे हम सानेंगे। हमें आटे को गूंद लेना है तो आइए हम यहाँ पर आटे को गूंदते हैं शुगर सिरप की मदद से धीरे धीरे डालते हुए। आटा आपको रोटी के आटे की तरह गूंद लेना है एकदम सॉफ्ट और इसे आपको शुगर सिरप के मदद से ही गूंदना है। आटा यहाँ हमारा गूंद कर तैयार हो चुका है तो अब हम इसकी एक लोई बनाकर इसको शेप देंगे। अगर आपको ये ठेकुआ बनाने वाला जो आपको नहीं, अगर आपके पास अवेलेबल है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल इसको गोल करके चिपटा करके इसे तल सकते हैं, स्वाद आप वैसा ही आएगा। बस इस सांचे की मदद से ये दिखने में थोड़ा सुंदर लगता है, अदरवाइज आप नॉर्मल इसे गोल बनाकर भी चिपटा करके फ्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप ग्रेटर का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सारे ठेकुए को रेडी कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे रिफाइन ऑयल दिया है कढ़ाई में और जब वो अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इस ठेकुए को इसमें से फ्राई कर लेंगे अच्छे से। आपको फ्राई करते समय ध्यान रखना है कि इसे मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है ताकि आपके ठेकुए अच्छे से पक जाए, कच्चे ना रहे और इसे सुनहरा ब्राउन होने तक यानी गोल्डन ब्राउन होने तक आपको फ्राई करना है। गैस आपका मीडियम फ्लेम पे रहेगा और ये जब दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब आपका समझ लेना है कि आपका ठेकुआ रेडी है। तो फिलहाल ये एक तरफ से हो चुका है और हम इसे फ्लिप कर देते हैं। सारे ठेकुओं को आपको इसी प्रकार से तल लेना है और ये देखिए दोस्तों हमारा ठेकुआ दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन अब हो चुका है तो हम इसे निकाल लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑयल हम इसे ड्रेन कर लेते हैं और इसे साइड कर लेते हैं और बाकी ठेकुओं को भी हमने तलने के लिए डाल दिया है। तो दोस्तों हमारा ठेकुआ एकदम तैयार है। ये बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। आप इसे बहुत दिन तक स्टोर कर भी रख सकते हैं, करीब 20 से 25 दिन। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।